केपलर के बाद में न्यूटन ने सेब का गिरना ऑब्जर्व किया और फिर उन्होंने पता लगाया कि अर्थ में एक प्रॉपर्टी है कि ये हर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अब ये प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गई कि हाँ ये प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करती है, सन अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये अट्रैक्शन किस रूल को फॉलो कर रहा है, कितना है ये अट्रैक्शन, किस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम फाइंड करें ये अट्रैक्शन। आज आपको पता है अट्रैक्शन वेट के इक्वल है, एम जी आप फाइंड कर लेते हैं, लेकिन ये स्मॉल जी कहाँ से आया, याद कीजिए स्मॉल जी कहाँ से आया, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब ये कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर कहाँ से निकला था, कहाँ से रखा था, याद कीजिए ये हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को लिखा था, जी इस कैपिटल जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है न्यूटन का ग्रेविटेशन फॉर्मूला जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्चुअली कैपलर का फॉर्मूला है, कैपलर ने नहीं दिया, बताया ये किसने, न्यूटन ने, कैपलर के लॉ में से न्यूटन ने फॉर्मूला निकाल दिया है। कैपलर ने फॉर्मूला नहीं बताया है, वो उन्हें पता भी नहीं था ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ इसमें तो मेरे ऑब्जर्वेशन में से ये रिजल्ट निकलने वाला है, लेकिन जो लॉ थे कैपलर के प्लेनेटरी मोशन के, उन लॉज को इकट्ठा किया और उनको मैथमेटिकली जब इकट्ठा किया न्यूटन ने, तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बन गया। फिर बाद में और दूसरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया तो पता लगाया कि भाई ये सन और प्लैनेट के लिए नहीं, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है यूनिवर्स में किन्हीं भी दो मटेरियल बॉडीज के लिए, इसलिए उस फॉर्मूले को फिर कह दिया गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कैपिटल जी को कहा गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो कैसे न्यूटन ने केपलर लॉ में से कैसे न्यूटन ने अपना फॉर्मूला निकाला, हेडिंग लिखते हैं डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। क्या लिखा आपने, डिडक्शन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ, ठीक है। अब केपलर लॉ के केपलर का ऑब्जर्वेशन, केपलर ने अपने टेलीस्कोप से प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया, प्लैनेट्स के मोशन को ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में यह पाया कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं इन इलिप्टिकल पार्ट। न्यूटन ने भी फिर ऑब्जर्व किया, उन्हें प्लैनेट्स को सारे को ऑब्जर्व कर रहे हैं न्यूटन भी, लेकिन न्यूटन ने एक छोटा सा कंक्लूजन उससे थोड़ा डिफरेंट निकाला। क्या निकाला डिफरेंट कंक्लूजन ये निकाला कि सारे प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पर रिवॉल्व नहीं करते, जो प्लैनेट सन से बहुत पास है, बिल्कुल सन के पास है, वो इलिप्टिकल पाथ पर चल रहे हैं, और जो प्लैनेट सन से बहुत ज्यादा दूर है वो इलिप्टिकल पाथ पर चल रहे हैं, लेकिन जो बीच के प्लैनेट हैं जैसे कि हमारा अर्थ, ये इलिप्टिकल पाथ पर नहीं है, ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ पर है, सर्कुलर पाथ पर ये मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए क्या चाहिए, सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए आपको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आती है, न्यूटन ने कहा कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली कहां से आती है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल आती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स,
ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल टू व्हाट, सेंटीपिटल फोर्स, ये एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, एफ ये सेंटीपिटल फोर्स कितनी होती, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एक और होता है फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है, एक फॉर्मूला और होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर, है ना, वी को आर ओमेगा लिख लिया है हमने, और एम आर ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, याद कीजिए कैपिटल टी क्या है, कैपिटल टी पूरा चक्कर लगने में टाइम होता है, ओमेगा उसकी एंगुलर स्पीड है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है। अब यहां देखिए कितना बना आपका ये फॉर्मूला, ये बना 4 पाई एम आर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स हो गई है। अब यहां इस सेंटीपिटल फोर्स में यूज किया उन्होंने कैपलर्स लॉ, यहां न्यूटन ने कैपलर्स लॉ यूज किया, क्या, बाय कैपलर्स लॉ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब, और प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कॉन्स्टेंट लगाया के वेयर के इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अब आपके लिए फॉर्मूला एफ के लिए क्या बना, 4 पाई एक आर से आर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। यहां m क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, r डिस्टेंस ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन, मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट कहां से, सन से। अब इस फॉर्मूले से इतनी बात तो पता लगी कि प्लैनेट पर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास ऑफ प्लैनेट, है ना, क्योंकि इस फॉर्मूले में मास आ गया, प्लैनेट का मास आ गया। तो न्यूटन ने कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इंडिविजुअल फोर्स नहीं है, ये तो एक म्यूचुअल फोर्स है, ये दोनों तरफ की कहानी है, ये अगर सन का अट्रैक्शन है प्लैनेट पर तो प्लैनेट भी अट्रैक्ट कर रहा है सन को, लेकिन फॉर्मूले में तो आ रहा केवल मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सन तो नहीं आ रहा। तब न्यूटन ने कहा कि क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स है, इसलिए अगर ये म्यूचुअल फोर्स मास ऑफ प्लैनेट पर डिपेंड है तो फिर ये फोर्स मास ऑफ सन पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड जरूर है। मास ऑफ प्लैनेट पर क्यों डिपेंड है, क्योंकि इसके फोर्स के इक्वेशन में मास ऑफ प्लैनेट आ गया। न्यूटन ने कहा कि यह है म्यूचुअल फोर्स, अगर ये मास ऑफ सन पर डिपेंड है तो फिर ये मास ऑफ सन पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड है, होनी ही है इसको, लेकिन मास ऑफ सन तो यहां से आ नहीं रहा। उन्होंने कहा कि नहीं, मास ऑफ सन है इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में मास ऑफ सन है, दिखाई नहीं दे रहा हमें। उन्होंने क्या कहा, देखो एक प्लैनेट को ऑब्जर्व किया सन के फोर्स से, दूसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व किया सन से, तीसरे प्लैनेट को ऑब्जर्व किया सन का फोर्स, इसमें मास किसका बदल रहा है, प्लैनेट का मास, एक प्लैनेट दूसरा प्लैनेट, सन तो दोनों के लिए, तीनों के लिए, सबके लिए एक जैसा है बिल्कुल, मास ऑफ सन। यहां इस चीज में उन्होंने बड़ा दिमाग लगाया कि हम किसी भी प्लैनेट को ऑब्जर्व कर लें, उसमें उस ऑब्जर्वेशन में, इन सारे ऑब्जर्वेशन में मास ऑफ सन तो कॉन्स्टेंट है, केवल प्लैनेट का मास बदल रहा है। तब उनको दिमाग में आया कि ये जो यहां कांस्टेंट आ रहा है 4 पाई अपॉन के, ये जो कांस्टेंट आ रहा है कहीं ना कहीं इस कांस्टेंट के अंदर मास ऑफ सन है, वो मास ऑफ सन जो डिपेंड होना चाहिए, फोर्स मास ऑफ सन पर डिपेंड होनी चाहिए, वो मास ऑफ सन इस फॉर्मूले में तो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस कांस्टेंट के अंदर आ गया। तब उन्होंने इस कांस्टेंट को एक नए कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कैपिटल जी इंटू एम, बल्कि उन्होंने क्या कहा कि जो कांस्टेंट है
ये 4 पाई अपॉन k, ये कांस्टेंट है लेकिन इसमें मास ऑफ सन है। अगर मास ऑफ सन ज्यादा होता तो इस कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा लेनी पड़ती है, मास ऑफ सन छोटा होता तो ये कांस्टेंट छोटा आता। तो फिर इन्होंने एक नया कांस्टेंट बना लिया, क्या कांस्टेंट बना लिया, 4 पाई अपॉन k की जगह कांस्टेंट बना लिया जी एम। यहां एम क्या रखा, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन रखा। अब जी एम 4 पाई अपॉन k की जगह उठा करके जी एम रख दो फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूला बना आपका, एफ इज इक्वल टू जी एन एम अपॉन आर स्क्वायर। और ये कहा उन्होंने कि ये जो कैपिटल जी है ये एक नया कांस्टेंट है, इसे कहा उन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहा उन्होंने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अभी तक ये सारा ऑब्जर्वेशन चल रहा था मा सन और प्लैनेट्स के लिए, सन और प्लैनेट्स के लिए चल रहा था ऑब्जर्वेशन ये। उसके बाद जब और ज्यादा इस इक्वेशन पर ऑब्जर्व किया गया तो पता लगा कि ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सिर्फ सन और प्लैनेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं, ये तो हर पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल है, यूनिवर्स के चाहे कितना भी छोटा पार्टिकल हो, एक मॉलिक्यूल के बराबर हो या एक पहाड़ के बराबर हो या पूरा प्लैनेट हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, एक जैसा यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है ये। और फिर इस ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट का नाम रख दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्लियर हुई बात। और फिर इस फॉर्मूले का जो रूप था वो थोड़ा सा बदल गया, इस फॉर्मूले में तो था मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट, लेकिन फिर एक जनरल फॉर्मूला बना जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन। पता क्या लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और अब यहां से निकल कर आए कौन से, न्यूटन के इक्वेशन, न्यूटन के लॉज किससे रिलेटेड, ग्रेविटेशन से रिलेटेड। समझिए बात, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया, न्यूटन ने सेब के गिरने का ऑब्जर्व किया और वहीं से उन्हें ये आइडिया आया कि अर्थ अट्रैक्ट कर रही है सेब को, सभी चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, और तुरंत ही उन्होंने उसका नाम रख दिया अर्थ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स रख दिया। लेकिन कितना है ये, कैसा है, किस पर डिपेंड है, ये डिपेंडेंसी किस किस पर है फोर्स की, ये निकाल ली उन्होंने कहां से, कैपलर्स लॉ में से निकाल कर लाए। क्लियर हुई बात। तो अभी हमने क्या किया, न्यूटन का फॉर्मूला निकाला, कहां से निकाला, कैपलर्स में से लॉ से निकाला। ठीक है, लिखते हैं न्यूटन ऑब्जर्व्ड दैट न्यूटन ऑब्जर्व दैट प्लैनेट्स वेरी क्लोज टू द सन एंड द प्लैनेट्स फार अवे फ्रॉम द सन planets far away from the sun revolve in elliptical orbit but the intermediate planets like Earth revolve in almost circular orbit next line for circular motion of planet necessary centripetal force is provided
बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द सन ऑन द प्लैनेट, ऑफ द सन ऑन द प्लैनेट। इसके बाद आपने ये सब करना है, कहाँ, यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स, बल्कि ये लिख लो यहाँ से, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, और करते चले जाइए यहाँ, करेक्ट। लास्ट में फॉर्मूला आपका बन गया, कीजिए जल्दी से। एक काम कीजिएगा आप, केवल यहाँ तक कीजिएगा, फिर इसके बाद हमें यहाँ थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना, F इक्वल्स 4 पाई बाय K तक आप लिखिए, और फिर इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखिए।